कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IASPSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, आप मेरे साथ छत्तीसगढ़ पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा फिजिकल डिवीजन जो है ना, प्राकृतिक विभाजन, इस पर हम बात करेंगे। और मान के चलिए कि इससे कम से कम दो क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है, मिनिमम है वो, आपके तीन से चार भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि आपका इसमें आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है वो देखेंगे। और मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि भाई किताबों में जो मार्केट्स में आप लोग देखते हैं, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, ठीक है, क्योंकि वो एक जगह पर तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। इन सब चीजों को अरेंज करने में काफी टाइम भी लगता है और आपको मेहनत भी लगेगी, ठीक है। तो हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बात करेंगे, ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा क्योंकि यही चीजें आप लोगों को उसमें भी पढ़नी होती है और एक जगह पर आपको कंपाइल्ड मिलेगी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का फिजिकल डिवीजन, जिसको प्राकृतिक विभाजन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो प्राकृतिक विभाजन क्या है या फिजिकल डिवीजन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू स्टडी, हम जो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, या इन सब क्षेत्रों के बारे में जानने के लिए इसको हम अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि आपने नेशनल ज्योग्राफी में पढ़ा है, पर्वत, पठार और मैदान, ये तीन टाइप के आप डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हिल के स्टडी आप अलग तरीके से करते हैं, प्लेन वाले एरियाज को अलग पढ़ते हैं और प्लेटियोज को अलग पढ़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के जो आप बेसिक डेफिनेशन को अगर देखेंगे तो सबके सब चीजों को आपका अल्टीट्यूड्स में वो बांट देते हैं। अगर मैं बोलूं कि सी लेवल को लेते हैं, ठीक है, जीरो, आपका सी लेवल की अगर हम बात करें तो इसको जीरो लेकर के चलते हैं और यहां से हम 0 to 300, ठीक है, और 300 to 600 एंड 600+, ये सब मीटर्स में रहेंगे। तो ये आप लोग का प्लेन एरियाज हो जाएंगे, फिर प्लेटियो एरियाज हो जाएंगे और हिली एरियाज हो जाएंगे। तो इन सब चीजों को आपका किस पे बांटा गया है, तो अल्टीट्यूड्स पे, इसके ऊंचाई के आधार पर ही बांटा गया है। तो पर्वत, पठार, मैदान, आप लोग तीन चीजें पढ़ते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये चार चीजों में हम बांट देते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि यार ये चार चीजें क्या है, अलग क्या है, तो हम देखेंगे। पूर्वी बघेलखंड का पठार, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटियो जिसको हम बोलते हैं, हालांकि ये प्लेटियो लिखा हुआ साफ साफ, तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर जसपुर सामरी पार्ट, ये नया होता है, जसपुर सामरी पार्ट वाला एरियाज, जिसको मैंने डिफाइन किया ही था आप लोगों को कि पार्ट एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जो कि हिल में आते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखा जाए तो ये आपका 600 मीटर से ज्यादा हाइट रखते हैं, दैट मींस इसका हाइट कितना होगा, मोर देन 600 मीटर्स होंगे, बट जो उसका टॉप का सरफेस होता है वो प्लेन हो जाता है, कैसा, मैदान की तरह। तो प्लेटियो में अगर हाइट देखोगे तो आपका 600 मीटर तक ही है, बट आपका यहां पर हम बात करें तो 600+ है जो कि हिली एरियाज में आते हैं, लेकिन आपका जो टॉप सरफेस है वो फ्लैट होता है। फ्लैट होने के कारण हम इसको क्या दिए गए, पार्ट नाम दे दिए गए, एक्चुअली में हिंदी में इसको बोलते हैं सपाट। तो सपाट से बना, सपाट का अर्थ है पूरा का पूरा समान, समतल, और पार्ट, तो इसी से बन गया ये पार्ट एरियाज। तो जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश हम इसको देखते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान है आपका, ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का मैदान के नाम से जाना जाता है, महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है, महानदी मैदान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे। और फिर दंडकारण्य प्रदेश, ठीक है, दंडकारण्य आपका प्लेटियो भी बोला जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हिल वाले जो आपका सेक्शन है वो नहीं है, दैट मींस एब्सेंस है, इसका एब्सेंस जो है वो बहुत मायने रखता है। इसीलिए कुछ जो आपके जियोलॉजिस्ट हैं वो इनको पांच पार्ट में भी डिवाइड करते हैं, जो कि मैंने बताया ही था। जैसे इन्होंने क्या किया, मैकल रेंज को अलग लेकर के चला, ठीक है, क्योंकि मैकल आपका क्या है, ये हिल रेंज ही रेंज है, मैकल श्रेणी जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, आपका मैकल सीरीज। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट हो जाता है, ये सब स्टडी के पर्पस से डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कुछ जियोलॉजिस्ट जो है वो मानते हैं जनरली हम चार ही लेकर के चलते हैं, दैट मींस वी हैव डिवाइडेड छत्तीसगढ़ इनटू फोर पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द फिजिकल डिवीजन। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है प्री में कि कितने भागों में बांटा गया है, तो चार यहां पर दिया जाए तो आप चार ही लीजिएगा, क्योंकि ये आंसर लिया जा चुका है और ये आपका पिछले पीएससी में, ठीक है। तो ये आपके लिए मायने रखता है, बट आपको जानना चाहिए कि मैकल रेंज जो है, क्योंकि हिल एरिया नहीं है, इसीलिए कुछ जो क्या बोलना चाहिए इसको, जो ज्योग्राफी वाले हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, माने जो आपका भौगोल
भूगोल का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उन्होंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। मैकल श्रेणी को एक्स्ट्रा लेकर के चले, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोग के लिए एज अ नोट्स भी जाता है ना, तो आपको दिक्कत ना आए। इसमें अगर हम बात करेंगे, ठीक है, देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपको मिलेंगे, तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मैंने डाला है, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी अबाउट दिस डिविजन, मतलब हम बिंदुवार इसका अध्ययन करेंगे और ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। दैट मींस क्या क्या है, अगर हम देखें तो पहला पॉइंट हमारा होगा स्टेटस एंड एक्सटेंशन, मतलब स्थिति और विस्तार। तो बघेलखंड के बारे में बात करें, ये 4 या 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसमें हमने बांटे हैं। तो यहां पर इन सब चीजों को हम अलग अलग पॉइंट से देखेंगे, इसलिए देखेंगे ताकि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए और कोई भी चीजें मिस ना हो। ये आपके निमोनिक्स जैसे होंगे, इन्हीं सब पॉइंट्स को सभी चीजों में अप्लाई करनी है। दैट मींस इतने एस्पेक्ट्स में हम उस चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला हम किस लिए देख रहे हैं, स्थिति और विस्तार। दैट मींस इसका स्टेटस होगा और एक्सटेंशन कहां पे स्थित है ये और इसका एक्सपेंशन कहां तक है। फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, भूगर्भिक संरचना जिसको बोलते हैं, इसमें मेनली हम किसको लेकर के चलते हैं, जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टाने होंगी उनकी बात हम करेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए, जहां चट्टाने होंगी, रॉक्स होंगे, इसलिए मैंने ये लिंक कर दिया, तो भाई उसी के अकॉर्डिंग ही आपका मिनरल्स भी आपको मिलेंगे। माने जहां पे जैसा चट्टान होगा, जैसा रॉक्स होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रॉक आपके मिनरल्स भी उसी में ही डेवलप होते हैं या मिलते हैं, ठीक है। मिनरल्स आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द रॉक्स, ये तो आपको पता ही है, कौन कौन से रॉक्स में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, ये साइंस का भी पार्ट है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए इजी हो जाता है, जैसे ही आपने एक नाम दिया कि भाई रॉक्स है, यहां पे कौन सा रॉक्स है, तो पर्टिकुलरली आप मिनरल भी वहां पे ढूंढ लेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही हम देखेंगे, रॉक से फॉर्मेशन होता है आपका, ठीक है, उसके इरोजन से कहीं ना कहीं आपका सॉइल का, तो सॉइल का टाइप जैसे देखेंगे कि भाई मिट्टियां उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे जसपुर सामरी पार्ट की हम बात करते हैं, बघेलखंड का बात करते हैं, या महानदी वाला जो बेसिन है, प्लेन है, इसकी बात करें, तो उस एरिया में कैसे टाइप की सॉइल मिलेगी। तो जैसे ही मिट्टी मिलेगी तो तुरंत भाई वहां से आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे आपका फसल कैसी होगी, यहाँ की क्रॉप कैसी होगी, क्योंकि आपकी जो फसल है वो किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंडेंसी इसकी ज्यादा है, तो वहां के सॉइल पे है, वहां की मिट्टी पे है। जैसे जहां की मिट्टी होगी वैसा वहां का क्रॉप सिस्टम होगा। मीन्स आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो अकॉर्डिंग टू आप क्रॉप करेंगे, तभी तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं, देखो ये स्लोप है, स्लोप है जो एक चीज में बीच में मैंने डाल दिया है, ये स्लोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये स्लोप से आपका ड्रेनेज सिस्टम भी होगा, आपकी क्रॉपिंग का भी बहुत बड़ा रिलेशन है, याद रखिएगा। स्लोप मीन्स ढाल है, माने उस पर्टिकुलर एरिया का स्लोप कौन से डायरेक्शन पे है। सिर्फ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्लोप ही आपका जो नदियां है वो बहती है भाई। ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हैं, नेचुरल चीजें हैं कि भाई जहां पर ढाल होगी उधर से ही तो बहेंगे पानी जो आती है, जो आपका रेनफॉल होता है, वर्षा होती है, उसका पानी जो है ढाल की ओर तो जाएगा, उल्टा तो नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माने एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में वो चढ़ेगी तो छत से, ठीक है, आप मोटर लगा के चढ़ाते हैं आपके घर पे, वैसे ही है, जिधर स्लोप होगा नदियां उधर ही बहती है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पे फसल हमने देख ही लिया। फिर अगर हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम की, जो अपवाह प्रणाली है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, वो किस अपवाह प्रणाली का हिस्सा होगा, और वहीं से हम इंपॉर्टेंट रिवर्स को भी देख लेंगे, हालांकि रिवर्स को हमने और अलग से अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है। फिर क्लाइमेट की अगर हम बात करें, जलवायु की, तो ये उस पर्टिकुलर एरिया में कौन से जलवायु में, कौन से क्लाइमेटिकल कंडीशन में जो है वो आता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ही क्लाइमेटिकल कंडीशन जान लेंगे या वहां के जलवायु के बारे में पता चल जाएगा हमको वहां का, ठीक है, ये रेनफॉल वगैरह जो है वो पता चल जाएगा, या फिर रेनफॉल से जलवायु बनेगी, और इसी से लिंक है आपका जो फॉरेस्ट है, जो वेजिटेशन है, उनके बारे में, ठीक है। दैट मीन्स ये पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होगा हमारा, ये इन सब चीजों पे ये बहुत काम आता है मेंस वालों के लिए, ठीक है। और मेंस और प्री के सिलेबस कोई अलग नहीं है, इसीलिए आपको ना फट से याद आ जाएगा कि यार इसमें क्रॉप कौन सा होता है, ये इसलिए क्योंकि यही सारी चीजें सब में अप्लाई कर देना है, तो आपको खुद कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई वहां की अगर मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी है तो वहां पे आप ज्वार बाजरा मक्का तो उत्पादन नहीं करेंगे, जो कि धान के फसल के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी है तो भी वहां पर
जो है वो धान और इन सब चीजों की फसल नहीं होगी, तो किस मिट्टी में होगी, तो लाल पीली में होगी, काली में चना वगैरह है, गन्ने वगैरह है, इन सब चीजों का खेती करते हैं, गेहूं वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सब चीजों के लिए, ठीक है। वैसे लाल रेतीली मिट्टी है, जैसे कि सॉइल हमने मेंस में पढ़ाई है और प्री की क्लास में अलग से और बताऊंगा ही, ठीक है। तो वहां पे सॉइल के अकॉर्डिंग ही आपको फसल जो है वो मिलती है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा एवरेज रेनफॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे बारिश होगी वो फसल और वहां के जो एरियाज हैं उन पर बहुत ही अफेक्ट डालती है, ठीक है। तो रेनफॉल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और फॉरेस्ट और वेजिटेशन जो है अकॉर्डिंग टू रेनफॉल, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू सॉइल, इन सब चीजों से ही आपका पनपता है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है, देखते हैं ना जैव विविधता, तो भी जहां पर रेनफॉल अच्छी होगी, ठीक है, प्रॉपर धूप पड़ेंगे, दैट मींस वो क्लाइमेटिकल कंडीशन भी अच्छा होगा, रहने के लिए बहुत अच्छा होगा, तभी तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो बढ़ेगी। जीव जंतु सभी जो है वो कहां पे रहना पसंद करेंगे? आप मैदानी क्षेत्र में ज्यादा रहना पसंद करते हो भाई, आपको हिल के टॉप में बिठा दिया जाए या टॉप पे आप रहना थोड़ी ना पसंद करोगे, क्योंकि हर चीजें वहां पर मुश्किल से ही मिलेगी। लेकिन आप मैदानी क्षेत्र पे देखोगे तो बसावट जो है मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जितने काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज हैं, ठीक है, ये आपको इसी एरियाज में ही मिलते हैं। तो ये आप लोग खुद ध्यान रखें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज होंगे, बहुत सारे फैसिलिटीज जो है वो इजिली आपको प्लेन एरियाज में अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन बाकी जगह पे बहुत ज्यादा मुश्किल से ही आपको मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इंपॉर्टेंट टूरिज्म की बात करेंगे, ये टूरिज्म से आपका एक टॉपिक ही अलग सा, लेकिन हम इसमें कुछ को लेकर के चलेंगे, जैसे कि एक पर्टिकुलर हम एरियाज को देखेंगे, या फिर बघेलखंड वाला जैसे था, इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको, कोशिश किया है कि चार पांच चीजें नया आप लोग को दूं, ठीक है। वैसे ही महानदी वाले में, वैसे ही पार्ट एरियाज वाले में, दंडकारण्य एरिया वाले में कुछ आपको भी करने हैं, और नहीं आप करते हैं, ठीक है, तो लास्ट में मैं टूरिज्म की अलग से क्लास ही लूंगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं टूरिज्म से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मिनिमम मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और देखते हैं क्या और कुछ भी बचा हुआ है, तो बिल्कुल, ठीक है। यहां पर सब डिवीजन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब डिवीजन मतलब इसको उपखंड बोलते हैं, यही सब डिवीजन आपको किस में बांटते हैं, आपका हिल में, प्लेन में, ठीक है, और आपका प्लेटियो में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। प्लेन आपका प्लेटियो है, और या फिर कोई हिल है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब चीजें सब डिवीजन के अंडर आती है। तो इंपॉर्टेंट हिल्स हो गए, प्रमुख पर्वत, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि यहाँ ये वाला जो पर्वत है, ये वाला जो हिल है वो कहाँ पे है, जैसे कि दलहा पहाड़, दलहा हिल की अगर हम बात करें, ये कहाँ है, डायरेक्टली कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डायरेक्टली आता है। इंपॉर्टेंट प्लेटियोज वगैरह हो गए, डायरेक्टली पूछ लेता है कि भाई ये बस्तर का जो पठार है वो किस नाम से जाना जाता है, कोई अलग अलग घुमा करके पूछेंगे, ठीक है। प्लेन्स की अगर हम बात करें तो दुर्ग, रायपुर, उच्च भूमि कौन से क्षेत्र में आएगा, या कौन से फिजिकल डिविजन का पार्ट है, ठीक है। रायपुर धमतरी हाईलैंड्स है ना, उच्च भूमि को हम हाईलैंड्स बोलते हैं, ये किसका पार्ट है, महानदी बेसिन का पार्ट है, पार्ट एरियाज का है, बघेलखंड का या दंडकारण्य का है, तो एक सिंपल से चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग समझ जाओगे। धारी डोंगरी जो एक हिल है वो इनमें से कौन से फिजिकल डिवीजन का पार्ट है, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर डायरेक्टली आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर होंगे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। डेमोग्राफिक फीचर्स भी है, जैसे कि मैंने अभी बात थोड़ी देर पहले किया ही था कि भाई अकॉर्डिंग टू आपका सिचुएशन, या फिर अकॉर्डिंग टू लैंड एरियाज बोल सकते हैं, ठीक है, या फिजिकल डिविजन के अकॉर्डिंग यहां पर डेमोग्राफिक जो फीचर्स है वो भी डेवलप होते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको कहां पे मिलेगा, तो ये प्लेन एरियाज पे ही मिलते हैं, ठीक है। हिली एरियाज पे पॉपुलेशन उतने नहीं होंगे, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, सब सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही आपका प्लेटियोस एरिया पे भी उतने ज्यादा नहीं मिल पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो हाइट होती है, वहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और ठंडी भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों पर सर्वाइव करना वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है, इसीलिए आप लोगों को ये सब चीजें ध्यान देना है। फिर मैंने कहा था कि कोई भी चीजें हो, कोई भी टॉपिक हो, एक एक्स्ट्रा फीचर्स, अदर फीचर्स या स्पेशलिटीज के नाम से जरूर एक पॉइंट रखें कि आप उसको जान सकें, ठीक है, या फिर कहीं पे भूल सकते हैं, मेंस में भी बहुत काम आता है ना, और मेंस और जो प्री का सिलेबस अलग नहीं है, बस पढ़ने का तरीका आपका अलग है, ठीक है। मेंस में आप बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल स्टडी करनी होती है, दैट मींस बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। और मेंस में आपको जो चीजें लिमिटेड जो दी गई हैं, सिलेबस उसका डिफाइंड है, उसको बहुत डीप में स्टडी करना पड़ता है, तो दोनों में कुछ खासा फर्क नहीं है,
बस आपको आजकल ना क्या हो रहा है कि मेंस की चीजों को ना उठा उठा के प्री में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने दोनों को मिक्स करके ही बताया है, आपको एक्स्ट्रा चीजें जानने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर अन्य विशेषताएं जो है वो हम देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम। ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है, एक बार देख लीजिए, ठीक है, स्थिति और विस्तार देखेंगे, भूवैज्ञानिक आपका संरचना देखेंगे, फिर उसके जो खनिज वगैरह मिलते हैं उसके बारे में देखेंगे, मिट्टी हो गया, मिट्टी से फिर आपका क्रॉप फसल और यहीं से ढाल, ठीक है, ढाल से फिर आपका ड्रेनेज सिस्टम आएगा, इंपॉर्टेंट रिवर्स वगैरह आएंगे, ठीक है, वहां की क्लाइमेटिकल कंडीशन के बारे में बात करेंगे, एवरेज रेनफॉल की बात करेंगे, फॉरेस्ट्री वेजिटेशन की बात करेंगे और देन इंपॉर्टेंट टूरिज्म की बात करेंगे। तो यहां पर आप नेशनल पार्क सेंचुरीज को आप अलग से भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट टूरिज्म में ऐड कर सकते हैं, वॉट एवर, ठीक है, दैट इज ये क्या, दैट इज वाई कि आपको जो 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 चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है या जहां पर भी आप उसको ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये लाइक आपके की नोट्स होंगे, ठीक है, जो एग्जाम के समय में रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और इसको बार बार रिवाइज कर सकते हो, इसीलिए ये सब पॉइंट्स मैंने आपको दिए, ठीक है, सब डिविजन्स हो गए और ये सारी चीजें, ठीक है, होप सो, चलिए ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब देखते हैं हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, देन फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जो हमारा छत्तीसगढ़ है पूरा का पूरा, उस छत्तीसगढ़ को अकॉर्डिंग टू फिजिकल डिवीजन अगर हम बात करें प्राकृतिक विभाजन में, तो उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, बट कुछ जियोलॉजिस्ट जो हैं, ठीक है, जो आपके ज्योग्राफी वाले हैं, भौगोलिक वैज्ञानिक हैं, वो लोग पांच में भी बांटते हैं छत्तीसगढ़ के इस पार्ट को, क्योंकि हिल वाले एरियाज को किसी पे भी नहीं लिया गया और मैकल रेंज को हम ले सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें एरियाज की, हालांकि ये गवर्नमेंट के डेटास में जो सर्वे वगैरह में है अभी फिलहाल चार है, इसलिए मैंने कहा था कि अगर आएगा तो चार ही लगाइएगा, ठीक है, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार या फिर इसमें ऐड हो जाता है सरगुजा बेसिन, ये हमारा आपका पहला है, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू एंड सरगुजा बेसिन, ये पार्ट होगा आपका किसका, तो छत्तीसगढ़ का नॉर्थ वेस्ट की ओर, याद रखना नॉर्थ वेस्ट की ओर, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, पूर्वी बघेलखंड, तो ये बघेलखंड जो है आपका ये एमपी का है मेनली, ठीक है, मैंने लिखा भी था कि भाई ये एमपी का जो बघेलखंड है उसका हिस्सा है हमारा छत्तीसगढ़ वाला, और एमपी छत्तीसगढ़ के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो कहां पर स्टे करता है, तो नॉर्थ वेस्ट की ओर, ठीक है, छत्तीसगढ़ एमपी का कौन सी साइड में था, तो साउथ ईस्ट की ओर था, ठीक है, दैट मींस आपका दक्षिण पूर्व की ओर, तो एमपी छत्तीसगढ़ के कंपैरिजन में अगर हम छत्तीसगढ़ में है और एमपी को बोलेंगे कौन से डायरेक्शन पे है, तो नॉर्थ वेस्ट लेंगे, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में आप समझ सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें तो पूर्वी बघेलखंड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेन बघेलखंड जो है वो एमपी में है, ठीक है, और यहां पर क्या है, छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा उसका कुछ हिस्सा आया है, तो वो कैसा वाला हिस्सा आया है, तो वो पश्चिमी, उसका पूर्वी हिस्सा आया है, मतलब मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, तो आज भी नाम वही चल रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल का मैंने बताया था कि भाई बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय, ठीक है, 1905 में, तो ये मेन जो आज का बांग्लादेश है वो ईस्ट बंगाल था और हमारा जो है अभी जो पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं वो वेस्ट बंगाल हुआ, तो आज तक नाम नहीं बदल पाया, लेकिन आप डायरेक्शन देखोगे तो भारत के ईस्ट में है, पूर्व में है, फिर भी हम क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट बंगाल बोलते हैं। वैसे ही ये जो पूर्वी बघेलखंड है वो एक्चुअली में एमपी वाला पार्ट है, हालांकि आप देखोगे तो ये पश्चिम साइड में मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा छत्तीसगढ़ के, ठीक है, तो लेकिन हम क्या बोलते हैं, पूर्वी बघेलखंड, क्यों, क्योंकि ये मेनली किसका हिस्सा है, एमपी का हिस्सा है, ठीक है। अब देखते हैं यही सेम पॉइंट्स को मैंने लिख के देखा है, मैंने आप लोग के लिए लेकर के आया है कि भाई इसी सेम पॉइंट्स को हम कैसे देखेंगे, कैसा एक्सटेंशन है, जितने हमने पॉइंट्स बात किए, बाकी में मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दिए हैं जो आप लोग को खुद निकालने हैं, दैट मींस यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, आप जब तक अपना नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, मेरा काम है आपको डायरेक्शन दिखाना, ठीक है, हालांकि आप नहीं करेंगे तो बाद में मटेरियल तो मिलेगा ही, बट वो बहुत ज्यादा वो चीटिंग है आपके साथ, खुद आप अपने आप के साथ चीटिंग करोगे कि सब चीज रेडी जब मिलती है ना, आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर वहां पर दिक्कतें होती हैं, ठीक है, हालांकि ये सारी चीजें मिल जाएंगी बाद में आपको, इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट में, लेकिन आप लोग उसके लिए मेहनत करें, अपना की नोट्स बनाएं इफ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट, ठीक है, इन दिस एग्जाम आपका, मैं 20 की बात करूंगा जो कि आपका होने वाला है एग्जाम, ठीक है, फरवरी में, ठीक है, 14 फरवरी के है आपका एग्जाम, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपको समय भी बहुत कम बचे हैं, तो इसको की नोट्स वगैरह जो है वो बनाइए, और ये बहुत ही इजी मेथड है, मैं बता रहा हूँ इसको 10 बार रिवाइज करना, मैं बता रहा हूँ ना 5 घंटे नहीं लगते हैं, 10 बार आप तुरंत रिवाइज कर लोगे,
क्यों कर लोगे? क्योंकि ये कीनोट्स ही आपके और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपने सुना होगा ना कि टॉपर्स भाई कम से कम मोर देन 10 times रिवाइज करके आते हैं, तो भाई पूरे पूरे बुक्स को अगर वो पढ़ने बैठेंगे ना तो वो 2 बार रिवाइज नहीं होगा, ठीक है। वो अपना ओन नोट्स बनाते हैं, अपना की नोट्स बनाते हैं। अगर वो 100 पेज का नोट्स है तो 10 पेज में आने चाहिए, 10% में याद रखिएगा, ठीक है। तो वो आपका की नोट्स होगा और आप जब आप मेहनत करेंगे ना तब जा करके वो बनती है। इसीलिए ये रेडी टू ईट मटेरियल जो है ना वो थोड़े से नुकसानदायक होते हैं। तो आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं कि बनाने कैसे हैं, पढ़ना कैसे, ये सारी चीजें थोड़ा मेहनत आप अगर करेंगे तो 100% सिलेक्शन की ओर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हमारा जो टॉपिक है स्टेन बघेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। होप सो क्लियर हो रही होंगी चीजें। अब देखिए स्टेटस एंड एक्सपेंशन, तो कहां पे है भाई हमारा जो पूर्वी बघेलखंड वाला है, तो ये कौन से एरिया में है? नॉर्थ, ठीक है, वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। कौन सा? बघेलखंड का। छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में देखिए तो उसकी स्थिति कैसी होगी? उत्तर पश्चिम में होगी। विस्तार कहां कहां से? तो ये इसका पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, सरगुजा डिवीजन में मेनली इसका एक्सपेंशन है, ठीक है, मेनली सरगुजा आपका डिवीजन में। अब इसमें देख लेते हैं तो कोरिया आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, सूरजपुर आता है, बलरामपुर आता है, सरगुजा आता है। लेकिन याद रखें कोरिया और सूरजपुर तो 100% आते हैं ये दोनों, ठीक है, बट ये बलरामपुर वाला जो है ये पूरा का पूरा नहीं आएगा। इसका कुछ हिस्सा जो है आपका जो सामरिक उसमें तहसील वाला हिस्सा है ये किसमें आएगा? तो जसपुर सामरी पार्ट वाले एरियाज में आएंगे, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं सरगुजा की तो सरगुजा का भी कुछ हिस्सा जैसे मैन पार्ट वगैरह है, ठीक है, तो ये भी किसका हिस्सा है? ये भी पार्ट एरियाज के हिस्से हैं, लेकिन सरगुजा पार्शली और बलरामपुर पार्शली एड है आपके ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू में, ठीक है। इसलिए मैंने चारों डिस्ट्रिक्ट के नाम को लिखा हुआ है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे मेनली हम किसकी बात करेंगे? रॉक्स की बात करेंगे। और यहां पर मेनली रॉक्स कौन से होंगे? तो गोंडवाना जो है रॉक्स वो पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसी गोंडवाना जो रॉक्स हैं इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, जान लीजिए यहीं पर, यहां पर नहीं लिखा हूं मैं, ठीक है। नदन, साउथ और मिडिल ऐसा बोल सकते हैं, या ऊपरी, निचली और मध्य ऐसा बोला जाता है, ठीक है। नॉर्थ वाला या अपर गोंडवाना बोल सकते हो, नदन भी बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लोअर गोंडवाना बोल सकते हो या सदन हो गया वो, ठीक है। और एक होता है मिडिल, मध्य का गोंडवाना लैंड। तो मध्य वाला जो है ना बहुत मिनिमम मात्रा में है, न के बराबर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा बहुत कम है लेकिन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में है, सूरजपुर की ओर लाई करता है ये, देखे होंगे कोकिंग कोल, जो सेमी कोकिंग कोल है वो उसी से ही मिलता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रतापपुर एरिया में आता है। लेकिन आप बात करेंगे अपर गोंडवाना लैंड की या लोअर गोंडवाना लैंड की, ये आपका बहुत ज्यादा है, ठीक है, याद रखना। जितना कोरिया, चिरमिरी, आपका विश्रामपुर वाला एरिया, ये सब अपर गोंडवाना लैंड के हैं, ठीक है। बलरामपुर वाला जो एरिया ऐसे हैं पूरे, और हम कोरबा रायगढ़ की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये सब लोअर गोंडवाना के हैं, जबकि मिडिल वाला सिर्फ सूरजपुर के कुछ एरिया में मिलता है, तो बहुत कम मिलता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहां पर छत्तीसगढ़ में है ही नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है, नेग्लिजिबल है, ये मान सकते हैं, लेकिन है, ठीक है। तो यहां पर ये गोंडवानों को आप लोग जान लीजिए, जैसे ये जाने इससे फट से आपको पता चल जाएगा कि मिनरल्स क्या मिलेगा। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे? मिनरल्स हैं, क्या क्या यहां पर खनिज जो है वो पाए जाते हैं। तो यहां पर कोयला जो है वो प्रमुख खनिज है, ठीक है, कोयला जो है वो प्रमुख खनिज है। इसके अलावा चूना, फायर क्ले भी यहां पर मिलते हैं, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, लेकिन आपका मेनली क्या है? कोयला, याद रखना, क्योंकि गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये मैंने लिखा भी है। सॉइल की अगर हम बात करें तो लाल पीली मिट्टी, ठीक है, इसमें आर्कियन रॉक्स भी है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, यहां पे आप ले सकते हो आर्कियन को भी, बहुत कम मात्रा में है आर्कियन आपका रॉक, ठीक है, लेकिन मेनली 80-90% आपका क्या है? आपका गोंडवाना है, लेकिन आर्कियन जो कि सबसे ज्यादा है, पुराना है, तो ये छत्तीसगढ़ के 50% हिस्से से भी ज्यादा में फैला हुआ है। तो इसको आप याद रखें, कुछ मात्रा में आर्कियन रॉक भी मिलेंगे और मैक्सिमम गोंडवाना आपका रॉक जो है वो है, ठीक है, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट मिनरल्स कोल को याद रखने, इसके सब हम प्री में पढ़ेंगे, आपके नोट्स में भी होंगे। बहुत सारे एरियाज हैं जहां से माइनिंग होती है, कोल माइनिंग, ठीक है, SECL करता है भाई, साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड। चलिए देखते हैं CIL के अंडर आता है कोल इंडिया लिमिटेड के, SECL आपका। अगर हम बात करें तो लाल पीली मिट्टी यहां पर मिली पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर ना बारिश जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, याद रखना, धान के फसल को बहुत ज्यादा बारिश की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रेनफॉल बहुत ज्यादा चाहिए उसको, तब जाकर के होता है, खेतों में भरे होने चाहिए पानी,
ठीक है, तब जा करके धान की फसल जो है वो होती है। सिर्फ लाल पीली मिट्टी होने से नहीं होगा, तो लाल पीली मिट्टी तो है इधर, लेकिन फसल जो है धान जो है वो कम मात्रा में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बिल्कुल होता है। इसके अलावा मक्का है, गेहूं है, चना, तुवर, मूंगफली भी होते हैं, ठीक है, ये सब आप लोग जानते हो। मेज वगैरह है, वीट है, ग्राम बोलते हैं हम इसको। ये आपकी जो दाल है ना, तुवर दाल, ये होती है, ठीक है, अरहर की दाल, तुवर दाल, ये वही चीजें हैं। मूंगफली आपकी ग्राउंड नट्स जो है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया हिंदी में, क्योंकि समझना आसान है, हालांकि टाइम ज्यादा लेता है एज कंपेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश में पीपीटी वगैरह ये सब बनाना ईजी है, ठीक है, तो लास्ट वाले मैंने इंग्लिश ज्यादा रखा था, तो इसमें मैंने हिंदी में ज्यादातर बनाने की कोशिश की है। और देखिए ये सब चीजें ना, जो 90% तो नाउन्स हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट मींस वो सब नेम से रिलेटेड है, प्लेसेस हैं, ठीक है। नाउन इज अ नंबर, क्या होते हैं भाई, डेफिनेशन आपको पता ही है, ठीक है, नेम, थिंग्स और प्लेसेस, ये सारी चीजें हैं, तो ज्यादातर हम वही पढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आप टेंशन मत लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले कि भाई इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं ना किसी का नाम, एज इट इज वैसे ही करना है, बिकॉज यहां पे ये सारी चीजें नाउन है, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। और मैं बार बार बोल चुका हूं कि इसमें स्पेलिंग का भी कोई लफड़ा नहीं है, आप गवर्नमेंट के वेबसाइट्स में जाके देखोगे ना, तो वहां पर भी अलग अलग स्पेलिंग्स लिए हुए हैं, तो आपके एक बेसिक चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। स्पेलिंग्स में कुछ भी नहीं लिखना है, बाकी यहां पर ऐसा नहीं है कि कोरिया को के ओ आर आई ए लिखेंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं एग्जाम्पल, बहुत लोग पूछते रहते हैं कोरिया ऐसे लिखेंगे या फिर कोरिया ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये तो मैं आपको बता दूं ये ज्यादा सही है, लेकिन मेरे मानने से नहीं, ठीक है, ये मैक्सिमम वो है, लेकिन ये भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि गलत है, ठीक है, ये भी आपका सही है। कोरिया हालांकि कंट्री से मैच करता है, तो यहां पर याद रखना ये दोनों गवर्नमेंट के वेबसाइट में अवेलेबल है, दोनों के दोनों, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो गलत है। इसीलिए मैं बात करता हूं कि आप टेंशन मत लीजिए, आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए कि भाई वो कोरिया लगना चाहिए, कोराया मत पढ़ देना, ठीक है, कोयारिया ऐसा नहीं कर देना है, कोयला नहीं लिख देना है, दैट मीन्स वो आपका एक प्रैक्टिकल थिंग्स है कि सारी चीजों को आपको देख करके करना है, बाकी यहाँ पे स्पेलिंग का आपको उतना टेंशन नहीं आएगा। बार बार इंग्लिश मीडियम वाले जो है ना वो देखते हैं कि सर ऐसा कैसे करते हैं, हालांकि वो मेंस के लिए जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो जब वहां पर आप आंसर्स को दिखाएंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, प्री में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूं कि आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं तो टेंशन नहीं लेना है कि भाई फायर क्ले क्या है, तो फायर क्ले ही बोला जाता है उसको, ठीक है, और कोयला आपको पता ही कि कोल है वो, है ना, और चूना, लाइमस्टोन, इतना तो पता ही होगा, ठीक है, तो सारी चीजें आप लोग को इजिली मिल जाएंगे। तो क्रॉप क्लियर हो गया, धान की फसल कम होती है, लाल पीली मिट्टी होने के कारण भी, क्यों, क्योंकि वहां पर रेनफॉल जो है वो कम है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम एंड इंपॉर्टेंट रिवर्स, है ना, तो ड्रेनेज सिस्टम यहां पर याद रखना है, ये गंगा में भी शामिल है और महानदी में भी शामिल है, कौन सा, बघेलखंड वाला, तो इसमें गंगा का भी कुछ पार्ट है और आपका महानदी का भी है। वो कैसे है, तो गंगा में सोन है, गोपद है, बनास है, नयूर है, ये सारी नदियां जो है ना आपकी किसकी है, ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर के, और सोन रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की, तो आफ्टर ऑल किसका पार्ट हुआ, आपका गंगा ड्रेनेज सिस्टम का। सोन नदी कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम वो है या अपवाह तंत्र हम बोलते हैं, जो एक प्रमुख नदी, ठीक है, आसपास के जो वॉटर्स हैं, जो जल हैं, ठीक है, उसको अपने ट्रिब्यूटरीज के माध्यम से, ठीक है, उसके हेल्प से, अपनी सहायक नदियों की सहायता से क्या करती है, पूरे समंदर तक लेके जाती है और वो तंत्र को कंप्लीट करती है, सिस्टम वॉटर साइकिल को, तो वो आपका उस प्रमुख नदी के नाम से ही, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, मेजर रिवर्स है, उसी के नेम के अकॉर्डिंग ही वो आपका सिस्टम का नेम होता है। तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम, महानदी ड्रेनेज सिस्टम, इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ठीक है, गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर अगर हम बात करें तो महानदी एज वेल एज आपका सोन गंगा हम बोलते हैं, लेकिन सोन गंगा बोल देते हैं, लेकिन मेनली क्या है वो गंगा ड्रेनेज सिस्टम है, याद रखिएगा, ठीक है, सोन उसकी ट्रिब्यूटरी है। आपको डायरेक्टली पीएससी क्वेश्चन भी किया है कि भाई गंगा ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है क्या, तो ऐसा सोन गंगा तो हम अपने समझने के लिए करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए रिहंग, गोपद, बनास, नेयूर और हसदेव ये किसकी, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपके महानदी की, 176 मीटर, ये सॉरी किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी नदियों में से एक है, कैमूर हिल आपका देवगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जाता है। क्लियर हो गया इंपॉर्टेंट रिवर्स, प्लस आपका कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम में आया, महानदी में भी और आपका गंगा में भी। तो प्री में पूछा जाए कि बघेलखंड कौन सा इसका पार्ट है, तो हो सकता है इसमें से एक को हटा दे, ठीक है, इसको लिखेगा महानदी, लेकिन ऑप्शन में क्या देगा आपको सबसे पहले, ठीक है, कुछ और दे दिया, सोन नदी ड्रेनेज सिस्टम, याद रखना मेरे एक शब्दों में एक एक चीज में छुपा है, सोन नदी ड्रेनेज सिस्टम लिखा तो ऑप्शन गलत होगा,
सोन नदी कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, याद रखना, ठीक है। और दूसरा चीज ये आपका महानदी ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। तो पहला ऑप्शन ऐसे ही दे देता है, सोन नदी ड्रेनेज सिस्टम, अफर्ट से लगा के आते हैं और बाद में आंसर गलत हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है, प्री में ऑप्शन में बहुत सारे खेल होते हैं भाई, है ना। चलिए क्लाइमेट देखते हैं। तो जलवायु की अगर हम बात करें, उष्ण और आर्द्र, ठीक है, जो ट्रॉपिकल हो, ड्राई डेसिडियस, आर्द्र मतलब ड्राई हो गया, और आपका जो एक शुष्क वाला होता है, तो क्योंकि हमारा जो है ना आपका कर्क रेखा से नीचे है, अगर हम बात करें तो उत्तरी क्षेत्र कहां पे आता है, आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है तीन डिस्ट्रिक्ट्स में, कोरिया में, सूरजपुर में, बलरामपुर में, और सबसे ज्यादा लंबा जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन से जिले में है, उसकी लेंथ सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो बलरामपुर में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, अभी तक आया नहीं है पीएससी में, ठीक है, तो क्या पूछा जा सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। मेजर सबसे ज्यादा करीबी का सिटी कौन सा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न उसको फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। अंबिकापुर दे दिया, बैकुंठपुर दे दिया, ठीक है, आपको बलरामपुर दे दिया, तो याद रखना जो सबसे नियरेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वो है बैकुंठपुर, ठीक है। बैकुंठपुर मेजर सिटी की अगर हम बात करें तो किसका, कोरिया जिले का आपका क्या है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भाई, ठीक है। तो ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसलिए ये ड्राई डेसिडियस आपका फॉरेस्ट जो है वो मिलेगा। औसत रेनफॉल मतलब औसत वर्षा या एवरेज रेनफॉल की अगर हम बात करें तो यहां पर एवरेज रेनफॉल जैसे छत्तीसगढ़ का हम लेते हैं ना वैसा ही है, 120 से 30 सेंटीमीटर माने कम है, ठीक है। अगर आप लोग जसपुर वाले एरिया पे देखोगे, अबुझमाड़ पे 187 तक जाता है, ठीक है, और अभी तो एवरेज भी हम बढ़ा करके ले रहे हैं। फॉरेस्ट और वेजिटेशन की अगर हम बात करें माने जंगलों के, तो यहां पर किस टाइप से वेजिटेशन मिलेंगे आपको, तो साल के भी मिलते हैं और आपको खैर के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि साल के कम है खैर वाले ज्यादा है, लेकिन वही जसपुर वाले एरिया पे देखोगे तो उधर साल ज्यादा है, ठीक है। हालांकि मिक्स्ड फॉरेस्ट भी है लेकिन उधर साल वन बहुत है, इधर जसपुर वाले क्षेत्र में पार्ट एरियाज में, और यहां पर आपको क्या मिलेंगे मेनली खैर, इसको याद रख लेना, खैर हो गया और साल भी मुख्यतः इसको मिलेंगे। ये हम मेजर आपके जो वेजिटेशन है उसको लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अदर फीचर्स में हम या स्पेशलिटीज में मैंने डाल के रखा ही था कि क्या क्या एक्स्ट्रा देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखो चांगभखार और देवगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है, यहीं से आपका छुरी उदयपुर जो हिल है, इसी से आपका हसदेव रिवर का क्या है ओरिजिन है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है। सोन नदी बेसिन का भाग है, ये सोन नदी बेसिन की बात कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम की नहीं, ठीक है, याद रखना सोन नदी बेसिन का ही ये पार्ट है आपका। और प्राचीनतम नाट्यशाला वाला जो रामगढ़ की पहाड़ी है भाई, आपको पता ही है ना सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, इन सब की गुफाएं हैं रामगढ़ हिल्स में है, तो सरगुजा वाला पार्ट आता है, मैंने बताया था, ठीक है। तो इन सब चीजों का ये एक्चुअली में किसका पार्ट है, ये सतपुड़ा वाले क्षेत्र का ही पार्ट है, छुरी उदयपुर वाला, ये जो देवगढ़ की पहाड़ी है ये आपका विंध्यांचल का पार्ट है, ठीक है, विंध्यांचल, ठीक है, विंध्यांचल का पार्ट है कौन सा, छुरी उदयपुर, जबकि रामगढ़ वाला ये सतपुड़ा वाला लास्ट का है पार्ट, याद रखना, ठीक है, सतपुड़ा हिल का जो सीरीज है उसका पार्ट होता है। तो ये भी आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हसदेव नदी इन्हीं पहाड़ी से निकली है, ठीक है, कौन सा आपका छुरी उदयपुर की पहाड़ियां से। इंपॉर्टेंट रिवर्स में मैंने बता ही दिया था, ठीक है, कन्हार, गोपद, बनास, ठीक है, कर्क रेखा इस क्षेत्र से, मध्य भाग से, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया से जाती है, ये इसकी विशेषताएं हैं। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला आपका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, जसपुर वाला एरिया आता है, जसपुर प्रदेश वाला एरिया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई क्योंकि यहाँ पे हिली एरियाज हैं और हम देख लेंगे पार्ट एरियाज पे, हालांकि इसको पढ़ेंगे ही, लेकिन ये बघेलखंड का कुछ हिस्सा ये जसपुर प्रदेश को ले लिया ना, माने हम जानते हैं कि जसपुर सामरी पार्ट, तो जसपुर पार्ट मेन है, ठीक है, जसपुर पार्ट, तो इसका कुछ हिस्सा जैसे कि हम लोग लेते हैं ना उसका कुछ हिस्सा बघेलखंड वाले में आता है पार्ट में, लेकिन हालांकि जहां पार्ट जुड़ गया जैसे मैन पार्ट जुड़ गया तो मैन पार्ट किसका पार्ट होगा, वो सीधा सीधा आपका जसपुर पार्ट का एरिया है, ठीक है, उसमें आएंगे हम, उस डिविजन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चाहो तो ये पॉइंट को हटा भी सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अगले में डाल देना आपका जसपुर वाले में। तो होप से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखते हैं हम टूरिज्म के बारे में, तो इंपॉर्टेंट टूरिज्म में देखिए इसमें तो कुछ नहीं मिलता आपका, जो मेड एरियाज हैं उसमें तो भरे पड़े हैं ना, सबसे ज्यादा आपको महानदी जो बेसिन वाले हैं इसमें टूरिज्म सबसे ज्यादा मिलेंगे, देन आपका उससे भी ज्यादा अगर या छोटे छोटे हैं तो दंडकारण्य वाले एरिया पे ज्यादा मिलेंगे, है ना, हालांकि वो वाटरफॉल्स और ये सब चीजें जो है ज्यादा है, रिलीजियस प्लेसेस ज्यादा है, लेकिन महानदी वाला जो क्षेत्र है इस पे आपको सबसे ज्यादा टूरिज्म जो है वो देखने को मिलेगा। सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं और कैपिटल सिटीज हैं, इंपॉर्टेंट जो मैनमेड वाले जो चीजें हैं ना वो ज्यादा यहाँ पे मिलेंगी, लेकिन अब दंडकारण्य वाले एरिया पे जाओगे तो नेचुरल चीजें आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन टूरिज्म दोनों है, ठीक है।
चलिए देखते हैं कोरिया जिले की अगर हम बात करें तो यहां पर अमृतधारा गावर घाट, ये भी आपका वाटरफॉल ही है, अकुरी नाला, रामदा, ये क्या है सब वाटरफॉल्स हैं जो कि मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट टूरिज्म है। ये पूछ लेता है गावर घाट कहां है, कोरिया जिले में पड़ता है, अकुरी नाला कहां है, कोरिया जिले में पड़ता है, याद रखिएगा ठीक है। ये सब वाटरफॉल्स हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर पौड़ी जगन्नाथ का एक टेम्पल है ठीक है, और चिरमिरी में पड़ता है ये पौड़ी जगन्नाथ का, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि भाई पौड़ी जगन्नाथ टेम्पल कहां पे पड़ेगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सोनहट तहसील के अंडर आता है ये। और कोरिया पैलेस, क्योंकि ये राजघराने में रहा था ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये कोरिया में आपका इंपॉर्टेंट क्या है, तो पौड़ी जगन्नाथ मंदिर कहां पे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्टिकुलर एरियाज में चिरमिरी, चिरमिरी आपका नगर निगम भी है भाई ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसको याद रखना है, द लार्जेस्ट नेशनल पार्क अकॉर्डिंग टू द एरिया इन और छत्तीसगढ़, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है। और लेटेस्ट टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर हो चुका है ये, तो इसलिए भी याद रखना है, फोर्थ टाइगर रिजर्व ठीक है ऑफ छत्तीसगढ़, कौन सा है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। फिर अगर हम बात करें कोरिया पैलेस की, क्योंकि ये राजघराने रहे हैं ठीक है, आपका अंबिकापुर भी वो राजघराना रहा है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि टीएस सिंहदेव जी जो हमारे मंत्री हैं ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो उनकी जो माता थी देवेंद्र कुमारी सिंहदेव, जिसको राजमाता बोला जाता है ना, अभी अभी उनका निधन हुआ, देहांत हुआ पिछले ही साल, तो उन्हीं के नाम पर सरगुजा यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो किया गया अभी करेंटली गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो करंट से भी आप लोग को जुड़े रहना है, ऐसा नहीं कि करंट को छोड़ देना है ठीक है। करंट से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लिंक करते चलिए, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ने का ना बहुत ज्यादा फायदा होता है कि आप प्लेसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, इमेजिन करते हैं, और इन सब चीजों को हर फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का सेक्शन ही क्यों ना हो ठीक है। मेनली तो हमारे जो सब्जेक्ट है वो चार ही पार्ट में डिवाइडेड है ना, अदरवाइज वो ज्योग्राफी बहुत काम की चीजें है ना, अपने लाइफ में भी, आपके लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं ठीक है। तो ये आप लोग का कोरिया पैलेस क्या है, ये राजघराना है, पैलेस मतलब वो राजमहल ठीक है, जहां पर जो कोरिया वैसे भी क्या था आपका, कोरिया चांगबखार ये सब क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, तो यहां पे प्रिंसली स्टेट्स का मतलब ही देश रियासत है जहां पे राजघरानों का शासन चलता रहा था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो कोरिया में हो गया। सूरजपुर की अगर हम बात करें तो कुदरगढ़ माता का टेंपल है, बहुत ज्यादा फेमस है ये ठीक है। कुदरगढ़ का मेला कब लगता है, कहां पे है, कितनी बार पूछा गया है, तो ये भी आपका प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है, एक माता का टेंपल है, याद रखना। एक डुगडुगी पत्थर है ना, डुगडुगी पत्थर ये पूछा जा सकता है आपसे भाई, जैसे कि आप सरगुजा में है ना, दरिमा के पास पड़ता है ठेंठिरी पत्थरा, ठेंठिरी मतलब पत्थर है, रॉक है, जिसको आप अगर किसी दूसरे पत्थर से मारते हैं तो वो घंटी जैसा आवाज आता है, मेटल लाइक साउंड्स क्रिएट करता है वो ठीक है। कैसा साउंड करेगा, मेटल की आवाज ठीक है, जैसे घंटी वगैरह बजाते हैं ना वैसा ठिन 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 बजता है, इसीलिए उसका नाम ही रख दिया ठिनठिनी पत्थरा ठीक है। वैसे ही सूरजपुर में डुगडुगी पत्थर है, ये पत्थरों का जोड़ा है, एक बड़ा सा पत्थर है उसके ऊपर एक छोटा पत्थर है, तो आसपास के जो लोग हैं स्पेशली जो वहां पर बैल भैंस और ये सबको जो चराने के लिए जाते हैं ना चरवाहे, तो वो लोग क्या करते हैं, ये सब एंटरटेनमेंट का वो साधन बन गया था, वो छोटा पत्थर को जो उसके ऊपर है ना उसको हिलाते थे, तो डुग 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 वो आवाज आता है ठीक है। बहुत अलग ही टाइप का, ये आपको डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, एकदम ऑथेंटिक है ये ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, पूरे जंगल तक वो आवाज जो है वो गूंजती है, और वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपका कौतूहल का विषय भी है, दैट मींस वो एक अचंभा है ठीक है, वो शॉकिंग न्यूज भी है आसपास के लोगों के लिए कि भाई ऐसा कैसे आवाज निकल रहा है पत्थर से ठीक है, इस टाइप की आवाज नहीं आती है और पूरे जंगलों में भी गूंज जा रही है ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि पूछेगा, मैं वही क्वेश्चन देता हूं ठीक है जो आपको मैंने डिस्कस करते हैं कि वो पूछा जा सके आपसे भाई, वो सारी चीजें जो आपको पता है और जो पुराने जो एग्जाम में आ चुके हैं उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, उसको टिल्ट करके पूछा जाता है, एज इट इज नहीं। प्रेमी क्वेश्चंस जो है बहुत कम रिपीट होते हैं ठीक है, 2-3-4% या एटमैक्स 5% से ज्यादा रिपीट नहीं होते, एज इट इज की बात कर रहा हूं है ना। दूसरे एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं, बट एज इट इज रिपीट नहीं होते, याद रखना, आपके सेम प्री वाले, तो आपको टिल्ट करके क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड करके आपको दे देगा, ऐसा नहीं है सिलेबस तो उतना ही है ना ठीक है। तो ये डुगडुगी पत्थर जो है ना आपसे पूछा जा सकता है, ये हाईलाइटेड भी है, और जो न्यूज पर रहते हैं उसको ज्यादा पूछते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन था, जंगल में गुंजवाए हो सकता है, तो ये मैंने डाल दिया। इसके बाद देखो शिवपुरी का शिव मंदिर, शिवपुरी का शिव मंदिर कहां है, ये भी आपके सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में है भाई, ये आपके इंपॉर्टेंट है। सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो गांव शिवपुरी है, शिवपुरी, एक शिवपुरी एक शेरपुर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है। प्रतापपुर
कहां पर है, आपका एक तहसील है कहां पे, ये आपका विधानसभा क्षेत्र भी है, यहीं से आपके जो मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर, अब भाई अंबिकापुर मेन सिटी था, ठीक है, इसलिए वो जो डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो अंबिकापुर से दिया हुआ है। अंबिकापुर से अलग होकर के सूरजपुर जो है वो नया जिला बना 2012 में, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिवपुरी का शिव मंदिर ये कहां है आपका, तो ये है आपके बघेलखंड वाले एरियाज में जिसमें सूरजपुर जिले में मेनली स्टे करता है। तो ये होप सो आप लोग को क्लियर हुए होंगे। तो इस टाइप से हमको पढ़ने हैं, देखिए मैं फिर से एक बार आप लोग को बता देता हूं, ठीक है। ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटियू है, इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, तो ये पॉइंट्स आप लोग के नोट्स की तरह बना लेंगे और इसी पैटर्न पे हम आगे बढ़ेंगे जिससे कि होल सोल आपकी स्टडी होगी। दैट मींस कोई भी सेक्शन जो है ना छूटा ना रहे, हो सकता है इससे भी ज्यादा आपको पॉइंट्स मिले तो आप ऐड कर लीजिए उसमें, ठीक है, आप उसको ऐड कर लीजिए जिससे आपको इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर बात करें तो ये सब पॉइंट्स हैं, इसके बाद हमने और भी देखे क्या क्या इसकी स्पेशलिटीज हैं, इसके अलावा हमने टूरिज्म को अलग से भी देखा, ठीक है। तो ये हालांकि मैं टूरिज्म वाला जो पार्ट है ना एक अलग से एक सेक्शन में लूंगा, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें आपको एक पार्ट को बहुत अच्छे से कराया है, बाकी चीजों को हम ओवरव्यूज में देखेंगे क्योंकि कुछ मेहनत आपके लिए करनी है, कुछ होमवर्क्स है आपके लिए, ठीक है।